जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारियां करते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं, आगे क्या कुछ चाहते हैं? नहीं, ये देखिए बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और अप्रत्याशित रूप से हुई है, क्योंकि अगर आप यहाँ कैंपस में घूम के देखिएगा, इतने व्यवस्थित ढंग से बच्चे रहते हैं, इतने सीधे साधे गाँव के बच्चे एकदम, और सिर्फ इनका उद्देश्य है यहाँ पर शहर में रहने का कि अपनी पढ़ाई के जरिए जीवन में आगे बढ़ने का, तो इनका सीधा फोकस यहाँ पर है। यहाँ पर भी जितने अगल बगल के भी लोग बड़े हैरान हैं कि इतने शांत प्रवृत्ति के बच्चे जो हैं, मतलब कभी कोई शिकायत यहाँ से निकली ही नहीं किसी भी तरह की, और इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर कौन से ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया बिना ये सोचे हुए कि अपने ही समाज के जो है बच्चे लोग हैं। तो इस पे तो मैं चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन भी इस पे सख्ती से है, क्लूज कुछ मिलने हुए हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पे त्वरित करे, नहीं तो फिर तो ये तो जितनी बड़ी संख्या में आए थे इधर उधर भागने में, तो अभी तक तो वो इधर उधर ठिकाने भी अपने पकड़ लिया होगा इन लोगों ने, तो मगर फिर भी बहुत सारे आजकल हाईटेक का ज़माना है, बहुत कुछ अभी भी ट्रेस आउट किया जा सकता है सीसीटीवी कैमरा के द्वारा या फिर और भी जो है आजकल, हाँ तो ये सारा कुछ करके हम लोग चाहेंगे कि कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी हो ही सर पुलिस प्रशासन की तरफ से। मगर एक सुनने में बड़ा अजीब लगा कि जो है जिला प्रशासन है उनकी उदासीनता, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। डीसी से बात की माननीय विधायक राजेश कश्यप जी ने, और उन्होंने ये बिल्कुल इस बात से अनजान अपने आप को बताया कि इस तरह की कोई घटना भी इस शहर में हुई है, और जबकि ये कल मतलब दिन भर और शाम पूरा रात भर ये वायरल रहा है ये सारा न्यूज़। तो हम लोग फिर जिला प्रशासन से भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो अपना आके यहाँ पर कार्रवाई करें, कुछ व्यवस्था देने का काम करें यहाँ पर, और बच्चों का क्योंकि अब जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं एक हफ्ते भर में, तो जो जिस तरह का एक भय का वातावरण यहाँ पर व्याप्त हो गया है उसको हटाने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन वो व्यवस्था दे, और ताकि बच्चे अस्वस्थ होकर अपने जो है साल भर की जो उनकी जो मेहनत है वो पानी में जाए ना जाए। और ये तात्कालिक कारण आप लोगों को फाइंड आउट हुआ है क्या, कि क्या रीजन, जो एक जमीन विवाद है क्या, एक वही? हाँ नहीं, विवाद तो है, मगर देखिए उसमें ये है कि उसमें कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, अगर खाली करवाना है तो वो कोर्ट ही करवा सकता है, और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है ये देखते हुए समझते हुए कि पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर और कोई दूसरा एक्टिविटी तो है नहीं यहाँ पर, इसीलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन लोगों ने कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है कि विवाद में मतलब कहीं पर भी तूल ना पकड़े, मगर जानबूझ के क्योंकि निश्चित रूप से कुछ ऐसे असामाजिक और जो जमीन दलाल किस्म के लोग जो हैं जो गलत दावा पेश कर रहे हैं, तो इसी के चलते उन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की अपने झल्लाहट में ही, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ हुआ है। तात्कालिक जो कारण हो सकता है कि जो आंदोलन आपको भाषा नहीं नहीं, नहीं, नहीं उससे कोई कोई मतलब नहीं है, कोई 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 सरोकार नहीं है, ये दूसरे बिल्कुल ही डायरेक्शन में किया हुआ काम है, जमीन को हड़पने के लिए किया गया है ये, उस पर कब्जा जो है अवैध नाजायज कब्जा जो अपना वो करने का है उसका ये मामला है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।